हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, सबसे इम्पोर्टेंट दिन हम इंडियंस के लिए। तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और साथ ही साथ नाग पंचमी भी है, तो इसके लिए मेरा लंच मेरे थोड़ा आज अलग होने जा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो जयेश अभी नहा के आया है, पूजा भी हो गई है मेरी, और ये सब सामान मैंने निकाल के रखा है। गुड़, चने की दाल और चावल। अब मैं आज बनाने वाली हूँ पूरन पोली, और मैंने जो रंगोली बनाई है बाहर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं पूरन पोली के लिए जो आटा लगता है वो गूंथ लूँगी। उसके लिए मैंने हाफ नॉर्मल व्हीट फ्लावर लिया है और हाफ मैदा लिया है। तो उसमें ज़रा 3-4 चम्मच तेल डालना भी ज़रूरी होता है। करीब करीब 11 बजे हैं सुबह के, और जयेश को छुट्टी होने की वजह से वो अपने पापा के साथ बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहा है, और मैं यहाँ लगी हुई हूँ लंच बनाने में। अभी जितनी दाल ली थी उतना ही गुड़ मैंने काट के रखा है यहाँ पे एक कटोरी में। अब देखिए ये चने की दाल पक गई है मेरी, इसमें से सब पानी निकाल के मैंने इस बर्तन में जमा किया है। पूरन पोली के साथ खाने के लिए इस पानी की हम करी बनाते हैं, उसको मराठी में कटाची आमटी बोलते हैं। अब इसमें गुड़ मिक्स करके, ये गुड़ और दाल मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पतलापन कम नहीं हो जाता और ये थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती। ये देखिए मैंने इसे पका लिया है इसको, अब मैं इसको इस छलनी से निकालूंगी। अभी पूरन बिल्कुल प्रॉपर तैयार है और आटा भी गूंधा हुआ है, तो पहले मैं वो करी बना दूंगी, उसकी कटाची अमटी बनाऊंगी, और फिर मैं पूरन पोली बनाऊंगी। ये लिया है मैंने सामान मसाला बनाने के लिए, वो मैं पीस लेती हूँ। पिसा हुआ मसाला, ये दाल का पानी, इसमें मैंने थोड़ा सा पूरन भी ऐड किया है थिकनेस के लिए। अब इसको लगाना है तड़का। राई, जीरा, हल्दी, मसाले। इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट डाल दिया है। अब ये थोड़ा भुनने के बाद इसमें वो पानी ऐड करूँगी मैं, चने की दाल का पानी। देखिए जब तक ये आमटी उबल रही है तब तक बर्तनों का ढेर देखिए। अब सबसे पहले तो मैं बर्तन साफ करूँगी और फिर पूरन पोली बनाऊँगी। चलो ये आमटी अच्छे से उबल गई और इतनी टेस्टी बनी है, खुशबू ही बता रही है इसकी, और बर्तन भी धुल गए। अब मैंने ये नींबू लगता ही है उस जो करी बनाई है उसके साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और ये कुरडई ये फ्राई करूँगी, और ये पोहा पापड़ ये भी फ्राई करूँगी खाने के साथ।
ये पहली दो छोटी छोटी पूरन पोली मैं भगवान को प्रसाद की जो थाली बनाते हैं उसके लिए ये दो अलग से बना रही हूँ, और फिर 7-8 रोटी हम तीनों के लिए बना दूँगी बाद में। जितना आटे का गोला लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा पूरन का गोला लेके उसको आटे से अच्छे से कवर करना है, और फिर हल्के हाथ से पेलना है। और लगाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा। अच्छी पूरन पोली वो होती है जो वो अच्छे से फूलती है और उसको बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाता है। रेडी हो गई सब पूरन पोई, अब फ्राइंग का काम बाकी है। अब फ्राइंग कर लेते हैं। ये पोहा पापड़ है, ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाते हैं। ये रेडीमेड ही पापड़ है। और ये कुरड़ी, ये पूरन पोई के साथ होती ही होती है। अगर आप महाराष्ट्रीय हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो ये एकदम कंपलसरी जैसा होता है। पकोड़े, और पकोड़े तो खैर मैं नहीं बना रही, मैं सिर्फ कुरड़ी और पापड़ थोड़े से फ्राई कर लूँगी। ये भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्लेट बनाई है। पूरन पोली की परफेक्ट प्लेट रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। तो मेरे सब फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करती हूँ आपको, आ जाओ हमारे साथ लंच में। लेट्स एंजॉय लंच टुगेदर। अब लंच वगैरह होने के बाद बारी आती है साफ सफाई की। फिर से एक बर्तन का लॉट हो गया है जमा खाना खाने के बाद का। पहले का तो मैं पहले ही कर चुकी थी, अब इसके बाद सब बर्तन धो के लगा दूंगी। अभी बज रहे हैं 2, बर्तन लगे हाथ धो दिए मैंने, किचन भी एकदम साफ सुथरा कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा सब काम निपट गया है। वैसे तो मैं आराम कर लेती इतना अच्छा खाना वाना खाने के बाद, पर मुझे लगता है अभी मुझे जयेश के साथ पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा। उस अकेले पर छोड़ दूंगी ना
तो मुझे नहीं लगता वो करेगा. तो एटलीस्ट वन आवर आई विल स्पेंड विथ हिम, आई विल हेल्प हिम इन स्टडी, और उसके बाद सोचूंगी थोड़ा रेस्ट का. और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें.